मैं आ गया हूँ एक्सप्लोरिंग डिवाइस पे, और जितने भी डिवाइसेज आपको मेरे आगे फोन दिख रहे हैं ये सारे फ्लिपकार्ट का स्टॉक होने आने वाला है। और इनकी अगर रेट लिस्ट की बात करें, लोग कहते हैं कि भाई रेट यहाँ पर कुछ और बताते हैं, वहां पर कुछ और होता है। जो रेट लिस्ट है iPhone 13 है, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग से रेट पढ़ के बताया, iPhone 13 निकला है 34,200 रुपये का, iPhone 12 मिनी निकला है 1,850 रुपये का, iPhone 7 Plus निकला है 5,400 रुपये का, यहाँ पर Redmi Note 11 Pro निकला है 6,350 का 12,500 रुपये का, iPhone 11 निकला है, OnePlus 9 निकला है 12,000 रुपये का, iPhone XR निकला है 10,050 रुपये का, OnePlus Note 2 निकला है 11,500 रुपये का, Lenovo K Note 5,000 रुपये का, 1,050 रुपये का, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर निकले। OnePlus 7T निकला है यहाँ पर 6,800 रुपये का, Apple iPhone 13 निकला है यहाँ पर आपका 23,600 रुपये का, iPhone 12 mini निकला है यहाँ पर 19,500 रुपये का, और Google Pixel 7 ये वाला जो रखा हुआ, ये बाकी सारे फ़ोन की रेट मैंने बता दिए, ये वाला जो Pixel 7 बिल्कुल नया जैसा फ़ोन है ये निकला है यहाँ पर 25,950 रुपये का। अगर आपको ओरिजिनल ग्रेडिंग के साथ स्टॉक लेना है तो यहाँ से स्टॉक ले सकते हैं, कभी भी आकर करोल बाग में एक्सप्लोरिंग डिवाइस, जिनका एड्रेस रहने वाला है 17A/94 फ्लोर WA करोल बाग मेट्रो स्टेशन से सिर्फ 1 से 2 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है, हनुमान मंदिर के साथ में। तो दोस्तों ये है करोल बाग मेट्रो स्टेशन, करोल बाग मेट्रो स्टेशन से जैसे ही हम आगे टुवर्ड्स करोल बाग मार्केट निकलते हैं, राइट साइड पे भारत क्लोथिंग करके आता है एक शॉप, उससे थोड़ा आगे हमें और जाना है, 1 से 2 मिनट का वॉकिंग है, उससे जब हम आगे चलेंगे 1 से 2 मिनट तो आपको मैं रास्ता भी दिखाता जा रहा हूँ साथ साथ में। राइट साइड पर हमारे आएगा हनुमान मंदिर, काफ़ी प्राचीन हनुमान मंदिर है, तो ये राइट साइड पर आप देख सकते हैं ये है हनुमान मंदिर, और हनुमान मंदिर से थोड़ा सा और आगे चलेंगे 2-3 शॉप छोड़ के, लेफ्ट साइड पे देखेंगे हम बैंक ऑफ बड़ौदा है, उसके साथ में अमेरिकन टूरिस्टर का शोरूम है, और उसके बिल्कुल ऑपोजिट में ये गली जा रही है, चौड़ी गली है काफ़ी, इसमें ही दूसरी बिल्डिंग है जिसमें 4th फ्लोर पर एक्सप्लोरिंग डिवाइस का ऑफिस है, मैं एक बार बिल्डिंग भी दिखा देता हूँ आपको। तो ये आ गई है बिल्डिंग, लोग भी साथ में जुड़े रहना, पूरी वीडियो दिखाऊंगा क्या ओरिजिनलिटी है, क्या रियलिटी होती है मोबाइल की, जो फ्लिपकार्ट से स्टॉक आता है उसमें क्या रियलिटी होती है, ओरिजिनल ग्रेडिंग में माल कैसा निकलता है, और अगर ग्रेडिंग के साथ छेड़छाड़ हो जाए तो बाद में वो कैसा होता है वो आपको। आईफोन 13 आया P4 में 23,600 रुपये। हे गाइस, आई एम दीपक एंड यू आर वाचिंग चीप एंड बेस्ट। दोस्तों आप सभी के काम की हमेशा वीडियो लेकर आता हूँ, आज भी मोबाइल की वीडियो लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए। अभी एकदम सील पैक पेटी खोली है और उसमें निकले हैं ये सारे फोन, देख सकते हो iPhone 12 mini 19,500 रुपये का, Google Pixel भी निकला है, Pixel 7 है, iPhone 13 निकला है 23,000 रुपये का, iPhone X निकला है, iPhone XR निकला है, और iPhone 13 भी निकला है, ऑल ओके कंडीशन विद बॉक्स निकले हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपको दिखाऊंगा कि कितने रुपए के मिलते हैं, मिनिमम 5 पीस भी आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी बैठे हुए यहाँ से ऑर्डर लगा सकते हैं। ऑर्डर कैसे लगाना है, आपको वीडियो कॉल पे आप ऑर्डर लगा सकते हैं, मिनिमम 5 पीस आप ले सकते हैं, 1,000 रुपये का फोन भी यहाँ पर अवेलेबल है जो कि 4G होने वाला है, इस तरीके के हर तरीके के मॉडल यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। यहाँ से लेने का बेनिफिट ये होता है भाई, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर लेने का बेनिफिट ये होता है कि जो ओरिजिनल जैसा फ्लिपकार्ट से स्टॉक आया है, जिस ग्रेड में स्टॉक आया है, ग्रेडिंग के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होती, रेट लिस्ट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होती। 6 महीने हुए हैं एक्सप्लोरिंग डिवाइस को जो कि करोल बाग में है, और काफ़ी अच्छा इन्होंने अपना कस्टमर बैकअप बना लिया है, ऑल ओवर इंडिया से इनके पास कस्टमर आ रहे हैं, ईमानदारी के फीडबैक भी दे रहे हैं, तो इसीलिए मैं भी यहाँ पर रेगुलर आता हूँ कि जिससे कि आप लोगों को भी ये जगह दिखा सकूँ और बता सकूँ कि भाई यहाँ पर अगर अच्छे से स्टॉक मिल रहा है तो आप भी क्यों ना यहाँ पर एक बार ट्राई करें, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, और आप लोगों की जानकारी के लिए नई नई जगह भी हमेशा जाता रहता हूँ। तो पूरी वीडियो देखना, मज़ा आने वाला है, क्योंकि वीडियो में बहुत काम की चीज़ें दिखाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे स्टॉक लेना चाहिए। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत, मिलते हैं आगे और मिस्टर साहिल जी से। सो गाइस, एक्सप्लोरिंग डिवाइस करोल बाग में मैं आ गया हूँ, साहिल भाई हमसे जुड़ गए। हेलो भाई, क्या हाल चाल है? बढ़िया भाई, आप कैसे? और सुनो। बहुत बढ़िया। तो साहिल भाई, ईद कैसे निकली? बढ़िया भाई, बढ़िया। अभी ईद का तोहफा भी लिया है कस्टमरों के लिए। चलो जी, बहुत बढ़िया। तो हमारे भी नवरात्र चल रहे हैं, तो क्या स्पेशल है मेरे व्यूअर्स के लिए आज? व्यूअर के लिए स्पेशल तो वही है कि हमारा सबसे पहली बात के जेन्युइन काम है जी, और हमारा एक और खासियत है, जो हमारे पास एक बार ही आएगा ना तो वो हमारा परमानेंट कस्टमर हो जाता है, क्योंकि हमारा ईमानदारी से और एक नंबर से काम है। अच्छा, क्या काम है पहले थोड़ा सा ये तो बता दो, जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हो उनको बताओ कि भाई किस चीज में डील करते हैं, कैसे क्या हम डील करते हैं। सेकंड हैंड मोबाइल में डील करते हैं, फ्लिपकार्ट का प्रेक्सो स्टॉक है ये सारा जी। तो इसमें P1, P2, P3, P4 करके स्टॉक आता है, अगर आप B2B में लेते हो तो जी, B2B, VRP हमारे पास हर तरीके से डीलिंग मिलेगी आपको।
अगर आपको B2B में चाहिए स्टॉक तो वो भी मिल जाएगा, अगर आपको फिजिकल चाहिए जैसे कि टूटा हुआ नहीं चलता तो आप वो भी हटा के फिजिकल फिजिकल ओके अपना देख देख के स्टॉक लेके जा सकते हो। अगर आपको सिर्फ P1 P2 P3 चाहिए तो आपको वो भी मिल जाएगा, अगर आपको VRP में डील करनी है और बॉक्स टू बॉक्स में करनी है तो वो तो है ही अवेलेबल। चलो जी बहुत बढ़िया, ये सारी चीजें तो साहिल भाई सब जगह मिल रही हैं। अपने यहाँ की स्पेशलिटी क्या है, किस वजह से लोग, आप बताते हो कि भाई अभी आपको 6 ही महीने हुए हैं, काफी लोग पसंद कर रहे हैं, जो कस्टमर एक बार आपके पास आता है वो बार बार यही वो आ रहा है, हमारा तो परमानेंट ऐसा कस्टमर क्यों हो हो। रहा है ये बता दो। सबसे मेन बात क्या, हमारा क्या है कि एकदम जेन्युइन ग्रेडिंग है फ्लिपकार्ट की, हम कोई छेड़छाड़ नहीं करते, जो अच्छा ग्रेडिंग आ रही है जैसी आ रही है आपके सामने रहेगी, अच्छा एकदम एक नंबर से प्रॉपर वाली कहते हैं ना वो तो इसलिए जेन्युइन। कस्टमर को पसंद आ रही है चीजें हाँ, हैं। जो कस्टमर एक बार ही आ गया वो दोबारा जरूर आता है। चलो जी बहुत बढ़िया, मतलब कस्टमर बेस अच्छा बनता जा रहा है हाँ भाई। 6 महीने हुए इनको एक्सप्लोरिंग डिवाइस को मार्केट में आए हुए, और काफी फीडबैक कस्टमर्स के मैंने भी देखे हैं, जो लोग बोलते हैं कि भाई जेन्युइन काम करे, ओरिजिनल रेट कार्ड पे काम करे, ओरिजिनल ग्रेडिंग के साथ काम करें। तो आज कुछ मैं चाह रहा हूँ कि साहिल भाई हमेशा हम एक बॉक्स खोल के दिखाते हैं, और मैं वो चाह रहा हूँ आज हम 2 बॉक्स एटलीस्ट खोल के दिखाएं, जिसमें एक में बड़े मॉडल हो, एक में छोटे मॉडल हो, इस तरीके से कुछ दिखाएं जिससे कि लोगों को पता चले कि बड़े मॉडल इस तरीके से निकल रहे हैं, छोटे मॉडल ऐसे निकल रहे हैं, और रेट कार्ड क्या है वो सारी जानकारी लेते हैं। तो गाइस आप लोग भी साथ में जुड़े रहना, पूरी वीडियो दिखाऊंगा क्या ओरिजिनलिटी है, क्या रियलिटी होती है मोबाइल की, जो फ्लिपकार्ट से स्टॉक आता है उसमें क्या रियलिटी होती है, ओरिजिनल ग्रेडिंग में माल कैसा निकलता है, और अगर ग्रेडिंग के साथ छेड़छाड़ हो जाए तो बाद में वो कैसा होता है वो आपको पता होगा। और अगर आप B2B में डील करते हो ना, अगर बॉक्स टू बॉक्स या VRP में अगर डील करते हो जी तो आपको छोटी मोटी रिपेयरिंग भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत स्टॉक रिपेयरिंग वाला भी आता है, जी वो जी हम जी क्लियर बता के साहिल देते भाई हैं। जल्दी से हम वीडियो ज्यादा लंबी ना करते हो, जल्दी से स्टार्टिंग करते हैं। और कौन सी पेटी खोले हैं, ये ये कितने पीस की पेटी है, 23 पीस 23 की, पीस तो की भाई सील भी देख लेते हैं, 23 पीस की पेटी है। पहले एक सील मैं आपको ये दिखा देता हूँ, एक तो यहां से तो देख ही लिए हमने, आगे से भी दिखा दो आप। पीछे से भी। हाँ तो भाई यहां से भी सील देख लेते, देखो कहीं से सील कटी हुई नहीं है, ओके okay है। तो अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं, पेटी फाड़ते हैं और देख लेते हैं कि भाई कैसे क्या हो रहा है, और क्या आप रेट लिस्ट है, क्या रेट मतलब किस रेट में माल आ रहा है, कैसा माल आ रहा है, हाँ वो आपको सारी पेटी चीज़ें सामने ही मैं अनकट बना रहा हूँ इस चीज़ को, बस जल्दी जल्दी करना साहिल भाई, जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो लोगों का भी, क्योंकि आज के टाइम पे ना लोगों को, जो मेरे व्यूअर्स है ना, सब सबका ये है आज के, दीपक भाई वीडियो बनाते शॉर्ट बनाया करो, और दूसरी बात इंस्टाग्राम पे और शॉर्ट्स देखने में ज्यादा लोग है ना आजकल बिलीव कर रहे हैं, तो हमारे यूट्यूबर्स को ना ध्यान नहीं दे रहे हैं लोग ज्यादा। और भाई आप लोगों के काम के लिए ही वीडियो लेके आता हूँ हमेशा, आप लोगों के काम की वीडियो बनाता हूँ, ईमानदारी से वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि यार मैं सही वीडियो बनाता हूँ और वीडियो में आप लोगों के लिए बनाता हूँ और जेन्युइन चीज आ दिखा रहा जाओ। हूँ, तो भाई वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, एक कमेंट कर दोगे अच्छा सा तो भी भाई चलेगा, जो आपको समझ आ रहा है। और अगर आपको यह लगता है कि वीडियो आईफोन में कुछ और 13 दिखाना चाहिए तो वो भी मुझे सजेस्ट करो कमेंट बॉक्स में, मैं आपके लिए वही करूंगा। आईफोन ये 13 P2 में आया है। iPhone 13 P2 में आया हुआ है, कंडीशन देख लेते हैं गाइस कितने का आया है, 34 200 34 200 का आया है iPhone 13 P2 में, रेड कलर रेड कलर में iPhone 13 आया है। और क्या वेरिएंट क्या है एक बार देखना, इसके GB बॉक्स रैम का के तो कोई रेट नहीं होता बॉक्स के वैसे, साथ आया ना इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। 128 128 GB में आया हुआ है, गाइस देख सकते हैं GB रैम का P2 में वैसे आया, हमारे पास मतलब कोई ऑल रेट नहीं ओके है। होगा है P2 में हाँ आया तो P2 में तो ऑल ओके आएगा। ठीक है। iPhone 13 34,000 रुपीज़ का मिल रहा है यहाँ पर, देख सकते हैं ये कौन सा है, ये है iPhone 12 मिनी 12 मिनी आया है 18,450 P3 में, ये भी रेड में आया शायद है, विद बॉक्स निकल रहे हैं ये, क्या बात है, P3 में P3 में कलर। iPhone 12 mini, क्या बात है, 18,450 रुपये में ये iPhone, और इसमें तो भाई साहब क्या बात है, सब डाटा चीज़ है केबल वेबल सब कुछ है अवेलेबल, जैसा आता है बॉक्स में वैसा ही आया, बिल्कुल बढ़िया कंडीशन में है। ठीक है इस टाइम का स्टॉक अच्छा निकल जल्दी रहा है। जल्दी करते हैं भाई, टाइम लग जाएगा अदरवाइज, जो है रियलिटी फटाफट गाइज मैं आपको दिखा रहा हूँ, पहले बड़े मॉडल दिखा रेट रहा हूँ, ग्रेडिंग सब चीज़ आपके सामने। ये यह है है आईफोन अपना 7 Plus P4 में। P4 में 7 Plus आया है 5,400 रुपीज का, ये देख सकते हैं। डिस्प्ले ओके है इसके, P4 है तो हल्का फुल्का रफ कंडीशन आया था, लेकिन ये ठीक रफ है भी नहीं है ज्यादा। जल्दी जल्दी करते हैं। तो भैया आप भी आ लगातार जाओ जल्दी से स्कैन करवाओ फटाफट फटाफट, ये कौन सा निकला है,
भैया आप स्कैन करो फटाफट। ये भी P4 में Redmi Note 11 Pro Plus 6350 का, ठीक है। तो भाई इस तरह की चीजें निकल रही हैं, इसे खोल के भी दिखा देता हूं फिर उसके बाद इससे स्कैन। हाँ आईफोन 11 की कंडीशन देख ले पहले, ये कंडीशन निकली है 11 की, इसको स्कैन कर दो जल्दी से। ये 12,550 रुपये आईफोन 11 निकला है, एकदम ओके कंडीशन, ऑल गुड कंडीशन में, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें यहाँ पर निकल रही हैं, काफी सारे OnePlus 9 कर रहे हैं। P4 में बैक पैनल ब्रोकन, बैक पैनल ब्रोकन है लेकिन डिस्प्ले ओरिजिनल है, ठीक है। एक बार ऑन करके देख लेता हूँ, अगर ऑन हो जाता है तो ये आईफोन XR, ये भी P4 में आया, 10,400 का, चार्ज कम आते हैं ना पीछे से। आईफोन XR 10,050 रुपए का, सॉरी 10,050 रुपए में आईफोन XR, बहुत बढ़िया। OnePlus Note 2 ये भी, ये P3 में आया है 11,500 का, Note 2, हाँ क्या बात है, 11,500 रुपए में। Oppo Reno 7 ये भी P3 में आया है 12,600 रुपए का, बहुत बढ़िया। तो भाई इस तरह के फोन निकल रहे हैं यहाँ पर, आपको मैं दिखा दिया हूँ, लेकिन काफी सारी चीजें, अगर मैं यही फोन दिखाता रहा तो काफी सारी चीजें रह जाएंगी जी। ये है 1,050 रुपए का, 1,050 रुपए का ये फोन मिल रहा है आपको। 4G होगा ये? हाँ ये 4G फोन है, क्या बात है। 5G, ये 5G मॉडल कौन सा निकला है, सैमसंग गैलेक्सी S21 FE 5G, इसके बारे में बात करेंगे। ये है, अच्छा पहले ये इसकी बात करते हैं, Note 10s P4 में, P4 में इसकी बात करते हैं, सैमसंग गैलेक्सी S21 FE 5G, इसके ये है आया है P3 में, में, क्या बात है भाई, 5G फोन ये निकला है, सिर्फ बहुत बढ़िया। तो इस तरीके के फोन्स निकल रहे हैं जो कि रियलिटी आपके सामने है इस बॉक्स में, जितने निकले हैं मैंने आपको, हमने फाड़ा भी छोटी क्वांटिटी का इसलिए था ताकि अब की बारी हम आपको पूरी ग्रेडिंग दिखा दें, हर बारी ग्रेडिंग दिखा नहीं पाते ना, बॉक्स आधा ही दिखा पाते ज्यादा मॉडल होने की वजह से। ये कौन सा है, ये आया है P3 में Redmi Note 10 और Redmi 10 सिर्फ 10 5100 रुपीज का। तो भाई इस तरीके की चीजें थी, अगर पूरी पेटी दिखाऊंगा तो अभी भी भाई बहुत टाइम लग जाएगा, आप अपनी ईमानदारी से सारी चीजें सही दिखा रहे हो, लेकिन ये आया है P2 में 26,800 रुपए, 26,800 रुपए का P2 में ये आया है, क्या बात है। आईफोन 12 26,800 रुपए में ऑल गुड कंडीशन, ऑल वर्किंग ही होगा ये, क्योंकि P2 में आया है ना। एक बार ऑन करना भैया इसको, ये चार्ज पे लगा देना इसे, चार्ज नहीं आता। अच्छा ये आया 6,800 का, OnePlus 7T 6,800 रुपए में, ग्लास चेंज और बैक पैनल चेंज करना पड़ेगा जी। तो गाइस इस तरीके की चीजें यहाँ पर अवेलेबल हैं जो मैं आपको दिखा चुका हूँ भैया, बस अब रहने दो इस एक मॉडल और कर ले फिर। आईफोन 13 आया P4 में 23,600 रुपए, आईफोन 13 23,600 रुपए में ये निकला है सिर्फ P4 में, ओके ये देख सकते हो, बस हल्का फुल्का रफ कंडीशन है साइड से, बाकी एकदम ओके है, ठीक है। तो भाई जो चीज़ें थी मैंने आपको रियलिटी दिखाई यहाँ पर, इस तरीके से पेटी फाड़ी जाती है, अगर वीडियो कॉल पे लेना चाहते हो तो वीडियो कॉल पे इस तरीके से स्टॉक दिखा दिया जाता है, वीडियो कॉल पे आपको सारा काम वीडियो कॉल पे होगा, वीडियो कॉल पे आपको पेटी फाड़ी जाएगी और वीडियो कॉल पे एक एक मॉडल की ग्रेडिंग दिखाई जाएगी कि ये आपका इस ग्रेडिंग में आया, इसका ये प्राइस है जी। तो ये आईफोन ही आईफोन निकले हैं इस पेटी में ज़्यादातर, जो मैंने आपको बड़ी मतलब 23 फोन की पेटी दिखाई थी इसमें इसकी बात करूँ। ये कौन सा फोन है भैया, आईफोन 12 मिनी है, ये भी 12 मिनी है, इसकी भी एक बार देख ही लेते हैं, बढ़िया सा लग रहा है देखने में भी काफी ना, एक बार इसे स्कैन कर ले। ये आया P2 में 19,500 रुपए का, 19,500 का P2 में 19,500 रुपए का आईफोन 12 मिनी ये आया हुआ है, आप देख सकते हैं, और कंडीशन भी ऑल ओके, जिसको आईफोन लेना है वो क्या आप बात है। गूगल पिक्सल 7 भी निकला है इसमें, अगर आपको बड़े मॉडल चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। अच्छा भैया मिनिमम कितने पीस लेने होते हैं, अगर जैसे किसी को लेने हैं तो मिनिमम कितने पीस लेने होते हैं। मिनिमम आपको 5 पीस मिल जाएंगे जी, मिनिमम 5 पीस ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी की फैसिलिटी के साथ। हाँ, डिलीवरी आप कहीं भी लगवा सकते हो, ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। थैंक यू।